हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी, मैं आपका होस्ट अली हसन। आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड आ चुका है, अभी मैच ख़त्म भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी टॉप ट्रेंड आ चुका है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। टॉप ट्रेंड है कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान का मैच ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और ये मैच इंपॉर्टेंट था दोनों टीम्स के लिए, इम्पोर्टेंट था। अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता तो उन्हें सिर्फ न्यूजीलैंड को हराना था और उसके बाद वो क्वालिफाई कर देते सेमीफाइनल के लिए। लेकिन इंडिया जो कि दोनों मैच अपने पहले हार चुका है, पहले अगेंस्ट पाकिस्तान फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनको अगर ये क्वालिफाई करना था और उनकी इज्जत का सवाल था, जिस तरह वो दो मैचेस हारे, बहुत बुरी तरह इंडिया की टीम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे इंडियन आवाम की तरफ से, मोहम्मद शामी हो गए, विराट कोहली हो गए, इन सब क्रिकेटर्स को पर्सनली अटैक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। सो उनके लिए ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अफगानिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, स्पेशली यूए की कंडीशंस में, और लग यही रहा था कि अफगानिस्तान बहुत टफ टाइम देगा इंडिया को। लेकिन आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो सब कुछ ही उल्टा हुआ, एक्सपेक्टेशंस के बरक्स था। हम सोच सकते थे कि इंडियन क्रिकेट टीम कमबैक करेगी पिछले दो मैचेस में, जिस तरह उनकी बैटिंग रही है, बॉलिंग रही है, हो सकता है अब इस बार वो कमबैक करे। लेकिन हम ये भी जानते थे कि अफगानिस्तान विदाउट फाइट कभी हारने नहीं वाला, अफगानिस्तान अच्छा फाइट देता है हर टीम को और लड़के हारता है। अगर हम बात करें पास मैचेस की, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, उसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप में हमने बहुत मुश्किल से अफगानिस्तान को हराया था, इंडिया ने बहुत मुश्किल से अफगानिस्तान को एक नेल बाइटर मैच में हराया था। अफगानिस्तान इज़ नॉट एन ईजी टीम, और अब तो स्पेशली अगर वो यूएई में खेल रहे हो। सो हुआ क्या, क्यों ट्रेंड है ट्विटर पे इस वक्त कि अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच फिक्स है, उसकी वजह पहले आप ये क्लिप देखें। इट्स अ हेड नबी, व्हाट आर यू गोना डू? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या वी विल बॉल फर्स्ट। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि टॉस कॉइन को उछालने के बाद जब नबी मिलते हैं विराट कोहली को, तो एक आवाज़ आती है। अब जो समझ रहे हैं पाकिस्तानी, स्पेशली जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, या फिर जो वो परसीव कर रहे हैं वो ये है कि कोहली कहते हैं नबी को, यू आर गोना बैट फर्स्ट, मतलब वो ऑर्डर कर रहे हैं यू आर गोना बॉल फर्स्ट, कि आप पहले बॉलिंग चुनें। लेकिन इसके लिए इसको अगर हम देखें तो अगर तवज्जो से देखें तो इस तरह भी हो सकता है कि नबी बता रहे हों कोहली को कि वी विल बॉल फर्स्ट। अब इससे पहले हमने देखा कि पिछले मैचेस में जब बाबर आजम टॉस जीतते हैं तो वो भी अनाउंस करने से पहले जो दूसरी टीम के कैप्टन होते हैं अपोनेंट को, ये कहते हैं कि हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, पहले बता देते हैं, तो ये इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान जो कि हमेशा से टॉस जीतता था, पहले खुद बैटिंग करता था, वो टीम एकदम से पहले बॉलिंग क्यों करने लग गई, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी उसी वक्त आया था। टॉस तो मैंने बाद में जब ये वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पे देखा था, वरना टॉस मैंने देखा भी नहीं था, और मैं खुद बड़ा अमेज हुआ था कि ये आज क्या हुआ, अफगानिस्तान तो टॉस जीते पहले बैटिंग ही करती है। उसके बाद ड्यूरिंग द फील्ड आप ये क्लिप देखें ज़रा। अब इस क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं जो नजर आया है, फील्डर खुद बॉल पकड़ के चौके की तरफ फेंक रहा है। अब अगर एक्टिंग करनी है तो इतनी ओवर एक्टिंग तो ना करो। अब जो हम नजर आ रहा है, मतलब जो देख रहे हैं, वो सब तो क्लियरली यही देख रहे हैं कि फील्डर ने बॉल पकड़ा और फेंका। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक एक्सीडेंटली हुआ, इस तरह से अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो कुछ और नज़र आता है, बॉल आई और जब उन्होंने आगे डाइव लगाई तो हाथ से निकल के चली गई, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन अब जरा ये कैच देखें, अब मतलब इतना नॉर्मल कैच, जितना एक स्पोर्ट्समैन को, एक क्रिकेटर को ये कैच ड्रॉप तो नहीं करना चाहिए, सीधा हाथों में आके बाउंस होके नीचे। और चलो मान लिया पाकिस्तान भी पहले ये कैचेस बहुत छोड़ता था, ऐसे ही हाथ से बाउंस होके जाते थे, मान लिया,
लेकिन उस कैच को ड्रॉप करने के बाद जो फील्डर थे वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। सो ये कुछ साइंस थे जिनसे ये साबित हुआ कि मैच फिक्स था। एक तो बहुत अमेज़ किया कि अफगानिस्तान आज कैसे पहले बॉलिंग सेलेक्ट कर रहा है टॉस जीत के, जो कि खुद बैटिंग करना पसंद करता है, और फिर ये कुछ फील्डिंग के, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम को एटलीस्ट 60 रन से ये मैच जीतना था ताकि उनका जो माइनस में रन रेट है वो प्लस में आ सके। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अफगानिस्तान के, और 15 ओवर भी गुजर चुके हैं और स्कोर 80 है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगले 5 ओवर अफगानिस्तान खेले भी तो 120 से ऊपर नहीं जाने वाला, और ऑलमोस्ट 100 रन की यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली है इंडिया को, जो कि उनका रन रेट ऑब्वियसली प्लस में जाएगा और रन रेट भी अच्छा जाएगा और एक मैच भी जीत जाएगा। और अगले दोनों मैच बहुत आसान है इंडिया के अगेंस्ट स्कॉटलैंड और नामीबिया। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान यही वो टीम, अब आप पैसे दे के हार सकते हैं, ये काफ़ी इजी होता है पैसे लेके हार सकते हैं, लेकिन क्या आप पैसे लेके जीत सकते हैं? जीतना बड़ा मुश्किल होता है। अफगानिस्तान क्या न्यूजीलैंड को हरा सकेगी? क्योंकि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगी तो ही इंडिया क्वालिफाई कर सकेगा, वरना ये मैचेस 3 जीत कर इज्जत तो बच सकती है लेकिन आप क्वालिफाई फिर भी सेमीफाइनल में नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड अगर किसी, अब स्कॉटलैंड से रह गए उनका मैच और एक अफगानिस्तान से, अगर स्कॉटलैंड से हार जाए तो इंडिया का चांस है, लेकिन अफगानिस्तान अफगानिस्तान को खुद मेहनत करके जीतना होगा और अफगानिस्तान बीट कर सकती है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, याद रखें। एक रन रेट का इशू था जो कि इंडिया के हाथ में अब आ चुका है। अब अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान को हर हाल में जीतना होगा अगर इंडिया क्वालिफाई करता है। सो जो भी हो रहा है इंटरेस्टिंग हो रहा है। आपने क्लिप्स देखे हैं, आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगा, ये फिक्सिंग थी या ये एक्सीडेंटली सब कुछ हुआ और इंडिया अच्छा खेला। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुल्तान टीवी को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ।